देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। फिरोजाबाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से ईद को लेकर वासी मस्जिद जाटवपुरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को ईद की किट बांटी गई, ताकि गरीब, कमजोर और बेसहारा लोग ईद के रोज अपने परिवार के साथ सिवैया खाकर त्योहार मना सके। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा किट बांटने का काम पूरे भारत में किया जा रहा है, ताकि कोई भी गरीब परिवार ईद का त्यौहार मनाने से वांछित न रहे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पहले से ही भारत में गरीब, कमजोर, बेसहारा लोगों के हितों के लिए काम करती आ रही है। क्राइम स्टोरी के लिए फिरोजाबाद से जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। जो इस वक्त यहाँ फिरोजाबाद के हालात तो ख़राब है, आपको पता है, कारोबार से आदमी बैठा हुआ है और यहाँ तक के बेचारे त्यौहार भी नहीं कर सकते अपना, तो उन लोगों की मजबूरी देखते हुए तो ये हमने सेवई है, मेवा है, गरी का गोला है, आटा है और रिफाइंड है, कड़वा तेल है, शक्कर है, ये सारी चीज़ों का इनका इंतजाम करके इन लोगों को मतलब यहाँ पे भी हमने अपने जो प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे बांटा है और घर घर भी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बार ये मुस्लिम इंडियन मुस्लिम लीग पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम चला रही है, जहाँ लोग परेशान हाल है। और ऐसा कुछ नहीं है कि सारे मुसलमानों के लिए, ये सब कुछ नहीं है, हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलकर हमारे यहाँ ये जो बांटा जा रहा है लीग। देख रही है क्राइम स्टोरी।